आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन चैप्टर है इसको यह समझ के नहीं पढ़ना कि फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर है। आप समझिए कि जो पीछे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े तो पूरा कहानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही है। बस इतना अंतर आ गया है कि जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पढ़ाई हो रहा था तो बड़े जिस प्लेन पर चल रहा था वह स्मूथ मान के पढ़ाई हो रहा था कि कोई भी सरफेस है भाई, यह मान लिया जाए कि सरफेस स्मूथ है जहाँ बॉडी चल रहा है। और अब क्या है कि यह सरफेस क्या हो जाएगा, रफ। तो सवाल में कोई चेंजिंग नहीं है, सवाल वहीं का वहीं है। अंतर बस इतना ही का है कि पूरे सवाल में जहाँ जहाँ सरफेस को हम लोग स्मूथ मान रहे थे वहाँ वहाँ सरफेस को अब रफ समझा जाएगा और एक नया फोर्स और डेवलप होगा इसमें, फ्रिक्शन फोर्स। पहले भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े ग्रेविटी, मतलब mg, किसी बॉडी का वेट होता है कि mg, उसका वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से समझिए। टेंशन दिखाने के लिए सीखे, नॉर्मल के बारे में सीखे, स्यूडो फोर्स के बारे में सीखे, तो इस तरह का फोर्स के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं, इस सब फोर्स से हम लोग अवगत हैं। अब एक नया फोर्स उसमें शामिल होने जा रहा है, कौन, फ्रिक्शन फोर्स। तो क्वेश्चन वहीं का वहीं धरा रहेगा, सिर्फ सरफेस क्या होगा, हल्का रफ होगा, उस कारण से एक नया फोर्स और रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स। फिर लिखना लेकिन वही है कि आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप क्या निकालने के सीखे, एक्सीलरेशन निकालने के लिए सीखे। तो इसमें भी आप एक्सीलरेशन ही निकालने के लिए सीख रहे हैं, बस एक नया फोर्स और डेवलप हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस टॉपिक में आपको यही पढ़ाया जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कब डेवलप होता है, डेवलप होता है तो किस तरफ डेवलप होता है और उसका वैल्यू क्या है, कैसे उसका वैल्यू पहचानेंगे कि मैंने कितना फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, कैसे निकाला जाएगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में समझना है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। और फिर वही समीकरण कि आगे वाला फोर्स बढ़ा और पीछे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एसी डायरेक्शन। तो है हम लोग का टॉपिक फ्रिक्शन फोर्स। टॉपिक है फ्रिक्शन। सबसे पहले बात है कि फ्रिक्शन क्यों डेवलप होता है। फ्रिक्शन डेवलप होता है सरफेस के रफ होने के कारण, रुखड़ा होने के कारण। रुखड़ा होने से क्या होता है, जैसे मान लें एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो वास्तव में ग्राउंड पर जो ब्लॉक रखा हुआ है ना, वास्तव में जैसा हम लोग को दिखाई देता वैसा है नहीं। एक्चुअल में कहानी कुछ ऐसा है कि समझिए कि ग्राउंड का सरफेस रफ है, रफ है। आप कभी किसी सरफेस को ऐसे छू कर देखिए, महसूस कीजिए, तो आपको आभास होगा कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है कहीं ना कहीं। कोई भी सरफेस तो पूरा स्मूथ होता नहीं है। आज पर जो बॉडी रखा गया उसका भी सरफेस कुछ इस ढंग का है। तो जब हम इस बॉडी पर फोर्स लगाने का प्रयास करते हैं, बल लगाने का प्रयास करते हैं, तो आपस में जो उभरा हुआ भाग और गड्ढा वाला भाग है आपस में फंस जाता है। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, सरफेस के रफ होने से क्या होता है, दो बॉडी के सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाता है। एक ही बॉडी और एक ही बॉडी समझिए, ग्राउंड और एक ही बॉडी, दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाता है और यही इंटरलॉकिंग बॉडी को आगे जाने में रुकावट पैदा करता है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप हुआ। अब फ्रिक्शन डेवलप कैसे हुआ, तो जिसे कि मान लिया बॉडी है, वास्तव में है रफ, लेकिन ऐसे थोड़े हर एक बार डायग्राम दिखाया जाएगा ऐसे, ये तो समझने के लिए दिखाया गया कि इंटरलॉकिंग होता है। तो दिखाया ऐसे जाएगा, आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से यहाँ इंटरलॉकिंग जब पैदा हो, इंटरलॉकिंग के कारण बॉडी को चलने में रुकावट पैदा हो रहा है। मान लिया आपने फोर्स नहीं लगाया तो थोड़े यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होगा, कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। बॉडी के रफ, सरफेस के रफ होने से फ्रिक्शन डेवलप होगा, ये कंसेप्ट गलत। बॉडी जब चलना चाहेगा तब अगर सरफेस रफ है तब फ्रिक्शन डेवलप होता है। इसे ही बड्डी है, अमान लगे सरफेस रफ है, इसे यहाँ समझिए यहाँ पर फोर्स आपने नहीं लगाया तो यहाँ कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो रहा है, बड्डी से रखा हुआ है।
रुकावट, हम बोलते हैं कि कोई रुकावट पैदा कर रहा है। हाँ कि हम अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तब ना बोले हम रुकावट पैदा करना चाह रहा है कोई, हम बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने जगह पर स्थिर हैं, हम बोले हमको कोई रुकावट पैदा कर रहा है, ये तो गलत बात है। हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तब अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं तब बोल सकते हैं कि हाँ कोई रुकावट पैदा कर रहा है। तो अभी कोई यहाँ फ्रिक्शन काम नहीं करता है, जब तक किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगे ना तब तक कोई फ्रिक्शन काम नहीं करता है। ये बात याद रखिए कि जब तक किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया जाए तब तक कोई फ्रिक्शन काम नहीं करता। आप जब बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तब इस इंटरलॉकिंग के कारण बॉडी के चलने में रुकावट पैदा होगा, क्योंकि बॉडी अब चलना चाह रहा है चाहे रुकावट पैदा होगा। जब कोई फोर्स नहीं लगाया बॉडी चलना ही नहीं चाह रहा तो क्या रुकावट पैदा हो, अब क्यों पैदा होगा रुकावट? रुकावट तब उन्हें कहा जाएगा जब कोई चलना चाह रहा है उसका विरोध करे। तो जब फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन का मान जीरो कहा जाएगा। लेकिन जब बॉडी पर फोर्स लगा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। अब कैसे डेवलप हो रहा है समझिए, जब बॉडी आगे फोर्स लगाया गया इस बॉडी पर आगे फोर्स एफ, तो ये ग्राउंड जो नीचे वाला बॉडी का सरफेस है वो इस पर फोर्स फोर्स पैदा करेगा इस पीछे। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी के सरफेस के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जो बॉडी का फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, जहाँ दो बॉडी का सरफेस कॉन्टैक्ट में होता है एक सिंगल बॉडी थोड़े फ्रिक्शन पैदा करेगा। जहाँ दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे दो बॉडी का सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में होगा वही ना फ्रिक्शन पैदा होगा। तो बॉडी का सरफेस का जो रिलेटिव मोशन है ना उसका अपोज करता है फ्रिक्शन। तो बॉडी का जो सरफेस है हमेशा फ्रिक्शन, जब भी देखना हो तो उस सरफेस को देखिएगा जहाँ बॉडी का कॉन्टैक्ट हो रहा है, जहाँ बॉडी टच होते हुए चल रहा है वहाँ देखना है, तो फ्रिक्शन यहाँ डेवलप होता है। हम लोग समझते हैं कि जमीन ने इस बॉडी के सरफेस के नीचे एक रुकावट पैदा किया, यहाँ फ्रिक्शन डेवलप होता है। जब ये ग्राउंड इसके सतह पर नीचे फ्रिक्शन लगाया, ये एक एक्शन है तो यहाँ एक रिएक्शन, तो ऐसे दिखाना है फ्रिक्शन। बॉडी आगे चलना चाह रहा है तो जमीन ने इसे रोका पीछे, तो ये वस्तु भी चाह रहा है जमीन को आगे खींचे, लेकिन जमीन थोड़े खिंचाने वाला है। बॉडी भी ने इसको आगे फोर्स लगा रहा है, बॉडी इस पर आगे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ एक फ्रिक्शन दिखाया जाता है। अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात है। यहाँ एफ फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ भी एफ फ्रिक्शन फोर्स, ए है एक्सटर्नल फोर्स जो हम बॉडी को चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सरफेस के रफ होने के कारण। यहाँ ई ग्राउंड इसको रुकावट पैदा किया पीछे, और ये चारे से कहाँ लेके चले आगे। इस समय में थोड़ा बच्चा को एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन कैसे लगा, तो इस बात को हम लोग महसूस भी करवाते हैं। जिसे कि मान लिया समझिए एक बॉडी है और सरफेस ये थोड़ा रफ है, और ये बॉडी एक ये जो बॉडी है एक प्लेट पर रखा हुआ है, ऐसे समझिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट पर एक बॉडी रखा हुआ है, बॉडी पर प्लेट रखा हुआ है, और इस प्लेट में ना चक्का लगा हुआ है, इस प्लेट के नीचे चक्का लगा हुआ है, बॉडी इस पर रखा हुआ है, और नीचे थोड़ा फ्रिक्शन कम है, नीचे फ्रिक्शन कम है, ऐसा तो नहीं फ्रिक्शन नहीं हो सकता, फ्रिक्शन तो होता ही हर एक सरफेस का, लेकिन कम है, या मान लो कि नीचे स्मूथ, नीचे एकदम चिकना है ग्राउंड जिस पर ये गाड़ी रखा हुआ प्लेट, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन ये ब्लॉक का नीचे का सतह और ये प्लेट का ऊपर वाला सतह में ज्यादा इंटरलॉकिंग है। अब आप देखिएगा कि जब इस बॉडी पर आप फोर्स लगाइएगा, इस बॉडी पर जब आप फोर्स लगाइएगा तो चक्का वाला गाड़ी सही से चलेगा, जिस बॉडी पर आप फोर्स लगाएगा ना तो चक्का वाला गाड़ी सही से चलेगा। हम तो गाड़ी पर फोर्स नहीं लगा रहे, हम तो बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि बॉडी ने नीचे वाला प्लेट को खींचा, जिसे यहां समझाया जा रहा है कि ये बात सही है कि प्लेट ने रुकावट पैदा किया यहां पर सरफेस रुखड़ा होने के कारण, इसने इसको रोका, लेकिन इसने भी इस पर फोर्स लगाया। चूंकि यह ग्राउंड है तो ग्राउंड थोड़े चलेगा, लेकिन यहाँ आप देखिए ग्राउंड के जगह पर एक हम लोग प्लेट ले लिए, इसके नीचे चक्का लगवा दिए, बड़ा बड़ा जो
मतलब जहाँ पर आरा मशीन होता है, बड़ा बड़ा लकड़ी का कारोबार होता है, तो जब लकड़ी के गट्ठर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, ऐसा ही प्लेट पर ले जाते हैं। एक चक्का वाला गाड़ी इस तरह से लगा होता है, उस पर मोटा मोटा लकड़ी का गट्ठर रख दिया जाता है और लकड़ी के गट्ठर को सब ढकेलता है तो गाड़ी सही चलेगा। इससे बात क्लियर हो गया होगा कि जब इस बडी पर हम फोर्स लगाएं, मतलब इस बडी पर फोर्स लगाएं, इसे गाड़ी समझिए, चक्का वाला गाड़ी यही है, आइए स्मूथ सरफेस है, तो ई बडी पर जब हम फोर्स लगाएं तो ई इस पर रुकावट पैदा करता होगा पीछे और ई इस पर फोर्स लगाता होगा आगे, ऐसे ऐसे हो रहा सब कुछ, तो ई इसको साथे लेके चलेगा। अगर यहाँ फ्रिक्शन कम रहा तो कम रहा, क्या मैं सूत मान लूँ थोड़ा देर के लिए, एकदम पूरा स्मूथ है सर, तो गाड़ी सही चलेगा। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ई फोर्स लगा रहा है इसके सरफेस पर पीछे, यहाँ पीछे, और ई लगा रहा है इसके सरफेस पर आगे, एक्शन रिएक्शन। बाकी पिछला कहानी भूलना नहीं है कि जो पीछे दिखाते थे कि एम किलोग्राम का एक बड्डी है, इसके नीचे एम जी नॉर्मल रिएक्शन एन, इसको भूलना नहीं, ये सब हो ही रहा है, एक्स्ट्रा क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे होता है फ्रिक्शन, तो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ही लिखाते हैं कि जब कभी दो बड्डी के बीच में, जब किसी दो बड्डी के बीच में नहीं, जब किसी दो बड्डी के सतहों के बीच में, जब किसी दो बड्डी के सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऐसे तो पहले पढ़ते रिलेटिव मोशन के कार्य इधर जा रहा है, कार्य इधर जा रहा है, तो इसमें थोड़े दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है, कार में एक कार इधर जा रहा है, एक कार उधर जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन का अलग बात था कि वेलोसिटी ए का बी के सापेक्ष क्या होगा और बी के सापेक्ष क्या होगा। इसी बात नहीं कि जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जब दो बॉडी के सतहों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जब दो बॉडी के संपर्क सतहों के बीच में, और अच्छा हो जाए कि जब दो बॉडी के संपर्क सतहों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तब एक नया फोर्स ऑटोमेटिक डेवलप कर जाता है उन दोनों संपर्क सतहों के बीच, जो कि उस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, विरोध करता है। इसी अपोजिंग फोर्स को, इसी विरोधी बल को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। हम इसी तरह से लिख सकते हैं आपकी वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडी, वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज, देन ए अपोजिंग फोर्स डेवलप, तब अचानक एक मतलब अपोजिंग फोर्स वहां पर डेवलप हो जाता है, विच रिस्ट्रिक्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस, जो कि दोनों बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, अपोज करता है। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, इसी विरोधी बल को, इसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो बस समझने के लिए डिफिनेशन है। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपको समझ में आया है कि जब कभी दो बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, संपर्क सतह के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तब ऑटोमेटिक एक नया फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि उस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, विरोध करता है, उसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे डेवलप होता है, जब बॉडी चलना चाहता है, रुकड़ा सतह पर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कोई फ्रिक्शन डेवलप होने वाला नहीं, जब वो चलना चाहेगा तब फ्रिक्शन डेवलप होता है, तब कह सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई इसको रोक रहा, चलने नहीं दे रहा है। और कैसे कैसे फ्रिक्शन डेवलप होता है, किस डायरेक्शन में किसे लगता है, आपको दिखाएगा। एक सवाल यह उठता है कि जब हम आदमी आगे चलता है तो बताओ फ्रिक्शन किधर काम करता है, तो बच्चा समझता है कि जब आदमी आगे चलता होगा तो फ्रिक्शन पीछे काम करता होगा, ये गलत सोच है। जब कोई आदमी आगे चलता है तो फ्रिक्शन आगे ही काम करता है, इस बात को समझिए। जैसे कि मान लें कि पैर है और बड़ी जब चलना चाहेगा, तो बड़ी जब चलना चाहेगा तो जब ऐसे चलता है, जैसे मान लिया बड़ी चलना चाहे, एक आदमी चलना चाहता है तो एक जगह से दूसरा जगह जब पैर को ले जाता है तो पैर को उठा के ले जाता है, लेकिन जब जमीन पर रखता है तो फिर इसे पीछे की तरफ खींचता है, इसे जब रगड़ करता है पीछे की तरफ खींचता है, जब यही पीछे की तरफ खींचना चाहता है, मतलब पैर का जो तलवा है इधर खिंचाना चाहता है, मतलब इस सरफेस का मोशन कहाँ हो रहा है, पीछे,
जब इस पैर का मोशन आगे हो रहा था तब जमीन से कांटेक्ट नहीं होता है, जब पैर आगे बढ़ता तो जमीन से कांटेक्ट नहीं होता है, फिर जब जमीन पर रखते हैं और यहाँ पर पीछे की तरफ खींचते हैं और तीसरे कारण यहाँ आगे नहीं बढ़ने देता इसको, तब इस पैर को हम आगे उठा के फिर आगे रख पाते हैं, तभी पैर फिर आगे चलेगा, फिर यहाँ पर रखाए गए, अब फिर इसको पीछे की तरफ खींचना चाहेंगे हम लोग इस पैर को, ऐसे अभी रुकेगा, मान लिया फ्रिक्शन, जैसे कि ये पैर इधर चलना चाह रहा है तो पैर का मोशन इधर होना चाह रहा है, तलवा का मोशन इधर होना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, इधर फ्रिक्शन का काम है कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज करना ना, तो जब ऐसे चलना चाहता है, ऐसे रगड़ करना चाहता है जमीन में, तो रगड़ जब ऐसे आगे चलना चाहता है पैर, फ्रिक्शन आगे उसको रोकता है, नहीं इधर बढ़ने देता, इस कारण से पैर रुक जाता है और इसके पैर के बदौलत फिर अगला पैर आगे बढ़ता है। तो जब हम लोग आगे चलते हैं ना तो फ्रिक्शन आगे ही काम करता है, क्योंकि चलने के समय हम लोग पैर को पीछे खींचते हैं, जब पीछे खींचते हैं पैर को तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, आगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस तो ऐसे है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस तो ऐसे चलेगा ही, ऐसे खींचते हैं हम लोग पैर को, अगर ये नहीं रुक पाया तो फिर नहीं आगे बढ़ पाए, ये रुक जाता है इसलिए हम आगे पैर को उठा के बढ़ा पाते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो एक सिंपल सी सवाल है कि जब कोई आदमी चलता है आगे की ओर तो फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, आगे की ओर, मान लो कोई आदमी इस तरह से आगे चल रहा है ऐसे मोशन में तो फ्रिक्शन भी आगे काम करेगा, आदमी के पैर के नीचे तलवा पर फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, आगे। तो इसी जानकारी के लिए था ये बात कि जब कोई आदमी चलता है तो बताओ फ्रिक्शन किधर काम करता है, बोले आगे ही काम करता है। जैसे कि आप मान लें जाए कि आप दौड़ते हैं खूब तेजी में दौड़ते हैं ना, तो पैर को आप पीछे खींचते हैं समय से, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, आगे, वही फ्रिक्शन आपको आगे चलने में मदद करता है। 6-7 क्लास में पढ़ना है क्या होता है फ्रिक्शन में, ऐसा पढ़ना होता है फ्रिक्शन के होने वाले फायदे बताओ, फ्रिक्शन से होने वाले कुछ हानि बताओ, तो फायदा में सभी बताते हैं हम लोग, फ्रिक्शन कारण हम लोग चल पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग पेन से लिख पाते हैं, हानि बताओ, बोले फ्रिक्शन के कारण ही मशीन का पार्ट पुर्जा घिस जाता है, ये सब कुछ हानि है कुछ फायदे भी है। तो ये हम लोग बात समझ में आ गया कि जब हम लोग चलते हैं या फिर अपना दौड़ लगाते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, आगे। लेकिन वही आदमी मान लिया जाए कि आप जा रहे हैं खूब तेजी में, जैसे कि आप देखते होंगे बाउंड्री पर, क्रिकेट में बाउंड्री पर एकदम पूरा प्लेयर बहुत तेज दौड़ता हो जाता है, और मान लिया कि एकदम बॉल को रोक लिया और बाउंड्री में टच होने वाला है, एकदम बहुत हाई स्पीड से बहुत जल्दी अपने आप को धीरे कर लेता है, उस समय वो पैर को पीछे खींचता नहीं होगा, पैर को आगे धक्का देता होगा, ये हम लोग देख के नहीं समझ सकते, उसको फील करके समझ सकते हैं कि आप एकदम जा रहे हैं खूब तेजी में दौड़ते, अचानक कोई आदमी आ गया सामने में, कितना जल्दी हम लोग पैर को एकदम दबाते हैं आगे की ओर ताकि एकदम जल्दी रुके, उसमें टकरा ना जाए, तो उसमें पैर को ना हम लोग आगे की ओर दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं पैर को आगे, स्पीड धरना होता है तो पैर को पीछे की तरफ खींचते हैं ऐसे, तो फिर आए काम करता है, हमारे एकदम खूब स्पीड में जा रहे हैं अचानक एकदम लगे कि एकदम कोई आगे अचानक रुकना है, एकदम अचानक किसी मोड़ पर आगे कोई तो लगे कि एकदम पैर को आगे की तरफ दबा रहे हैं, कस के धक्का दे रहे हैं इसे आगे की ओर, तब आप रुक पाइएगा, उसमें फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है, मैंने यही फ्रिक्शन हमको चलने की मदद कर रहा है, यही फ्रिक्शन हमको रुकने में भी मदद कर रहा है, ये फ्रिक्शन। खैर से बात का बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक, हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं कि समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं और कब उसका फॉर्मूला क्या हमको लगाना है इसके बारे में। तो पहले हम समझने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं और किस तरह का फ्रिक्शन रहेगा, तो उसके बदले फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा, एक पार्टी होगा, दूसरा पार्ट की फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर दिखाना है, कुछ बात अभी पता भी चला आपको किधर दिखाना है, मेन दो पार्ट यही है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर दिखाना है और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किस वैरायटी का फ्रिक्शन है, किस टाइप का फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तीन तरह के हम लोग फ्रिक्शन को बांट चुके हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक, अभी पता चलेगा आपको, तो इस तीनों में से कौन सा फ्रिक्शन है और अब तीनों का क्या क्या फॉर्मूला लगेगा फ्रिक्शन फोर्स का, फिर आगे चल के हम लोग ये भी आपको सिखाएंगे कि पहचानेंगे कैसे आखिर तीनों में कौन फ्रिक्शन है,
काइनेटिक है कि लिमिटिंग है कि स्टैटिक है, तीन तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। तो धीरे धीरे इस बात को मेन मुद्दा यही है कि फ्रिक्शन को दिखाना कैसे है, किस डायरेक्शन में दिखाना है, और ये समझना कि आखिर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किस वेराइटी का, स्टैटिक है कि लिमिटिंग है कि काइनेटिक है। और फिर आगे चल के यही पहचानने का प्रयास करेंगे, पहचानने के लिए भी सिखाया जाएगा कि कैसे पहचानेंगे कि स्टैटिक है, कैसे पहचानेंगे कि लिमिटिंग है, कैसे पहचानेंगे कि आपका काइनेटिक है। अगर पहचान लिए तो बताओ फिर उसका फॉर्मूला क्या लगाना होगा। ये सब मेन मुद्दा है फ्रिक्शन। तो हम इसको एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लिया जाए एक बॉडी किसी सरफेस पर रखा हुआ है, समझिए एक बस, बस स्टैंड में खड़ा है, लेकिन थोड़ा बस स्टैंड में बस अगर खड़ा है तो आप बस के चक्का पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप समझ बैठिएगा कि चक्का तो का तो रोलिंग मोशन हो रहा है, ऐसा नहीं। तो रोलिंग मोशन पर ध्यान नहीं देना, समझना कि बस सीधे चल रहा, ट्रांसलेट कर रहा, आगे की ओर बढ़ रहा है। चक्का की गति पर ध्यान नहीं देना कि एकदम चक्का का मोशन के बारे में पढ़ा नहीं होगा, बस का मोशन क्या उसके बारे में पढ़ा। चक्का का मोशन तो रोलिंग मोशन हो जाएगा, जब मोशन स्टार्ट हुआ तो इसके बारे में बताए थे कि जब बॉडी चले भी और घूमे भी तो कहते हैं रोलिंग मोशन, तो चक्का चल रहा भी यार घूम भी रहा तो रोलिंग मोशन में आ जाएगा। हम लोग बस सिंपल समझते हैं कि एक बॉडी है ही, बस का एग्जाम्पल देखिए आपको समझाएं कि एक स्टैंड में एक बस खड़ा है, एकदम मान लिया स्टैंड में एकदम गिट्टी उट्टी बिछा हुआ है, एकदम कचिया रोड जैसा, अब बस खड़ा है। तो अगर आगे कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है बस पर, अच्छे ढंग से समझने के दोनों को अलग अलग दिखाएं ताकि बीच में क्या हो रहा है आपको समझ में आए। जब किसी बस पर मान लिया कि आगे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बस एकदम कहते हैं रुखड़ा रोड पर कहा ना खड़ा हो, फिर भी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ फ्रिक्शन का मान जीरो। पहला बात ये ध्यान दीजिए कि जब तक किसी बॉडी पर आगे फोर्स नहीं लग रहा है तब तक फ्रिक्शन पीछे काम नहीं कर रहा। अब आपको समझाते हैं कि मान लिया जाए किसी बॉडी पर किसी ने फोर्स लगाया, बस स्टैंड में बस लगा हुआ है, और तो हम बोल रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्या है जमीन के तुम रुखड़ा क्यों ना हो। मान लिया बच्चा बोला कि नहीं जमीन रुखड़ा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जमीन रुखड़ा रहता है। तब अगर बच्चा का हम बात मान भी लें कि फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो बच्चा से ही बताए कि किधर काम कर रहा है, इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, और उसे कहना कि फ्रिक्शन फोर्स काम कर ही रहा है क्योंकि रुखड़ा है जमीन, तो बच्चा ही बताए कि किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। बच्चा अगर यह बोल भी दिया कि फ्रिक्शन फोर्स आगे काम कर रहा है या पीछे काम कर रहा है, जो कुछ ही बोल दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्रिक्शन फोर्स के अलावा तो और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर हम उसके चलते मान भी लेंगे फ्रिक्शन काम कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो उसके अलावा तो और कोई फोर्स है ही नहीं, तो जिस भी डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है उस डायरेक्शन में तो बस का मूवमेंट होना चाहिए था, मतलब उस दिशा में तो बस को चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है, बस तो रेस्ट के रेस्ट ही में। अगर सिर्फ फ्रिक्शन, अगर बोल रहा है बच्चा कि फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो हम पूछे किधर काम कर रहा है, मान लो किसी डायरेक्शन में बता भी दिया किधर उधर काम कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में बता रहा है फ्रिक्शन काम कर रहा है उस डायरेक्शन में बस को चलना चाहिए था, क्योंकि उसके अलावा कोई फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा कि बस चल रहा है, इसका मतलब कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा। अब समझिए कि अब किसी ने बस पर बल लगाया, एक बच्चा आया और बस को धक्का देने का प्रयास किया, तो थोड़े बस चले लगेगा, इसका मतलब अब फ्रिक्शन यहाँ डेवलप हुआ, अब यहाँ फ्रिक्शन डेवलप हुआ। मान लिया कि आपने फोर्स लगाया F1, एक बच्चा लगाया F1 फोर्स, अब बस चल भी नहीं किया, इसका मतलब है कि यहाँ घर्षण का मान भी F1 होगा, एकदम इसके जस्ट बराबर इस सिचुएशन में, जब बड़ी रेस्ट में आप बड़ी पर फोर्स लगा रहे हैं, बड़ी चली नहीं रहा है, तो समझ जाए कि पीछे प्रेशर उतना ही लग रहा है जितना हम बल लगा रहे हैं। एक बच्चा लगाया F1, मान लिया कि दो बच्चा हो गया, अब बल लगा 2F1, फिर भी बस नहीं चला, तो समझ जाइए कि फ्रिक्शन भी हो गया 2F1। मान लिया जाए कि 3 बच्चा लग गया, फ्रिक्शन हो गया 3F1,
फिर भी बस नहीं हिला तो समझ जाए कि फ्रिक्शन जो गया थ्री ऑफ फोर। जितना फोर्स आप आगे लगाते जाइएगा उतना इधर फ्रिक्शन का मान बढ़ता जाएगा। वास्तव में बढ़ता जाएगा ये बात नहीं है, फ्रिक्शन का अपना एक हद होता है कि इस हद तक उधम अपोज करेगा, और ये हद कहाँ तक जाएगा यह डिपेंड करता है उसके रुखड़ापन पर, क्वालिटी ऑफ सरफेस पर। जितना जमीन रुखड़ा होगा आपको उतना देर तक टक्कर देगा, आपको उतना ज़्यादा बल लगाने के लिए मजबूर करेगा, तब जाकर वो कहीं फ्रिक्शन अपने आप को सिलेंडर करेगा, फेल करेगा, और फिर आप बॉडी को चला पाइएगा। तो मान इस तरह से करते करते तीन चार करते 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 मान लिया जाए कि नौ बच्चा फोर्स लगाया, नाइन ऑफ फोर, फिर भी बस नहीं मिला, तो समझ जाएगी फ्रिक्शन का मान भी यहाँ हो गया नाइन ऑफ। इस तरह के फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, विराम घर्षण बल इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या आप बॉडी पर बल लगा रहे हैं, बॉडी चल नहीं रहा है, इसका मतलब समझिए कि पीछे फ्रिक्शन फोर्स का उतना ही वैल्यू जितना कि आगे लग रहा है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जितना आगे लग रहा समझ लो उतना पीछे लग रहा हो अगर बॉडी रेस्ट में। तो अब हम कहते हैं कि मान लिया जाए किसी तरह से फोर्स लगाते लगाते किसी ने बच्चा ने लगा दिया 10 F1। अब जब 10 F1 बस पर लगा, जैसे तो लगा कि बस हिला, बस को जब कोई धक्का देने वाला होता है ना, तो ऐसा नहीं कि 10 आदमी आया बस को धक्का देना शुरू कर दिया, पहले दो बार आगे पीछे करके देखता है, हिला के देखता है कि भाई ऐसे करके बल लगाया छोड़ दिया, लगे हिला कि नहीं हिला चेक करता है पहले, अगर हिल गया तो समझता है कि हाँ चल जाएगा, हमारे बल लगाए हिलवे नहीं किया तो समझता कि नहीं अभी कुछ होने वाला नहीं है और आदमी चाहिए। तो मान लें कि 10 आदमी फोर्स लगाया, 10 F1 हो गया और बस हल्का सा हिला, अब उस समझ जाता आदमी धक्का देने वाला सब क्या बस चलने चलने को तैयार है, अब अगर हल्का सा भी आगे बढ़ेंगे तो बस चल ही जाए। तो इस सिचुएशन में अभी भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है 10 F1, बस चला नहीं बस हिला है हल्का, लग रहा कि चलने चलने को तैयार है, ये क्या है रेस्ट वाला कहानी। तो रेस्ट वाले हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है कहानी, ये कहानी है जस्ट टेंड्स टू मूव, बॉडी जस्ट चलने चलने को तैयार है। तो इस कहानी में भी ना पीछे का फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है ना आगे वाले फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही होता है, आगे वाले अप्लाइड फोर्स के, फ्रिक्शन फोर्स नहीं आगे वाले अप्लाइड फोर्स के, लगने वाले फोर्स के बराबर ही होता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि इसको बोलते हैं एफ मैक्स, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 10 F1, माने इस जमीन का जो रफनेस है रुखड़ापन है इसमें इतना ही क्षमता है कि 10 F1 लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। माने हिल जाने का मतलब ही पता चला कि अभी फ्रिक्शन फेल होने वाला है, अब इसका क्षमता इससे ज़्यादा नहीं है। इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, चरम घर्षण बल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम है जिसे बॉडी चलने चलने को तैयार है, जस्ट टेंड्स टू मूव, चलने चलने को तैयार है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर हल्का सा भी अगर फोर्स लगा बॉडी चलना शुरू कर देगा, इसे माने 10 आदमी बल लगाया अब बस हिल गया, सब मिल के बोला कि एक बार जरा जय बजरंग बली करके सब जरा बोलो कस के लगाओ बस चल जाएगा। तो बात यह है कि जैसे कि जय बजरंग बली कहने से सहने के समय एनर्जी आ गया एकदम भगवान की तरफ से एनर्जी आ सब ज़्यादा बल लगा दिया, ऐसा नहीं। जोर से बोलने से तो एक ज़्यादा एनर्जी निकलता है अंदर से, हम देखते हैं बच्चा को बोलते हैं कि बोल बोल क्या करो, कि जब वो बोल के काम करेगा ना तो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी अपना झुकेगा। तो बोल के पोल खम्भा गढ़ने वाला को देखते हैं कि खूब जोर जोर से बोलेगा और पोल को गढ़ेगा। एक तो ये कि थोड़ा ज़्यादा एनर्जी निकलता है, दूसरा बात क्या है कि बोलने से एक बार सब एक साथ काम करता है, ये काम 1 2 3 करके भी हो सकता है, 1 2 3 सब बच्चा एक साथ लगाया बल, लेकिन उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। जब इस तरह कोई नाम लेते हैं हम किसी भगवान का तो थोड़ा सा अंदर से अलग भाव आता है, इस तरह से उस तरह का नाम लेता है। तो सब बोला एक बार सब फोर्स लगाया, ऐसे क्या है कि 10 आदमी जैसे बल लगाता है तब बल लगाता है जैसे फोर्स लगाता है बस को धक्का देने में, तो कोई लगा रहा है कोई देख रहा है कि हाँ भैया आप लगा रहे हैं कि नहीं, कोई बोला कि हाँ जी लगाइए, लगाने रखा बोल रहा कि लगाइए,
तो इस तरह का जो गड़बड़ी है एक साथ बोलने से क्या हो जाएगा कि सब एक बार अपना बल लगन में लगा देगा। तो अगर हल्का सा भी अगर फोर्स का मान बढ़ा तो बस चलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही बस चलना शुरू हुआ, अब यहाँ कहानी समझिए, थोड़ा सा इससे जहाँ फोर्स ज़्यादा लगा तो बस तो चलना शुरू होगी, लेकिन बस जब गति धर लेता है तो हम देखते हैं कि एकादू बच्चा पीछे छूट गया। तो मान लिया जब दो बच्चा मान लिया पीछे छूट गया तो आठ ही फोन लगाया, इसका मतलब आठ ही फोन वस्तु को लेकर के जा रहा है। होता क्या है कि जब बड़ी मोशन में हो जाता है ना तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है ना ऑटोमेटिक हल्का घट जाता है। तो इस समय अब यहाँ जो फोर्स लगाया जा रहा है और बॉडी क्या है मोशन मूव कर रहा है, ये जस्ट टेंस टू मूव था, चलने चलने को तैयार है, चला नहीं है, आई चल रहा है। तो इस समय जो यहाँ फ्रिक्शन डेवलप होता है इसको बोलते हैं एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, गतिज घर्षण। तो तीन तरह घर्षण मन पड़े आप, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक तब कहा जाता है जब बॉडी पर फोर्स लगे, बॉडी चल भी नहीं करे, तब पीछे लगने वाला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका आंसर ये कि आगे लगने वाला फोर्स बराबर पीछे लगने वाला फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तब कहलाता है जब बॉडी चलने चलने को तैयार है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तब होता है जब बॉडी चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बात को और थोड़ा क्लियर करेंगे कि एफ के का फॉर्मूला होता है म्यू के, एफ मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है म्यूवेशन, और इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, तो आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स। तभी बस वीडियो में ही समझिए कि तीन वैरायटी के हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जाने। अब बात इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो वैल्यू निकाला नहीं जाता, डिफाइन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात समझने का ज़्यादा प्रयास करें कि एफ के बराबर म्यू के एन, एफ मैक्सिमम बराबर म्यूवेशन, और इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स। तो इस म्यूवेश और म्यूके को हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक, कि घर्षण कितना गुना ज़्यादा लग रहा है। म्यूवेश का मतलब कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यूके का मतलब कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के।